नमस्कार, वैशाली सक्सेना के साथ आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको हमेशा समय से मिलती रहे। यहाँ डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। और मुख्य खबर आ रही है यूपी के रायबरेली से, जहाँ पर महाराजगंज समेत पूरे जनपद में करवा चौथ पर पूजा के लिए सुबह से ही सभी सुहागिन महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। पति की लंबी आयु के लिए श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत किया। इसके लिए व्रतियों ने पूरे दिन उपवास कर करवा चौथ की कथा सुनी और उसके बाद चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा। और वहीं आपको बता दें, सभी सुहागिन स्त्रियों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। सुहागिन महिलाओं ने चांद निकलने पर उसकी पूजा की और आरती की, साथ ही आरती के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया। चलनी से चांद को देखकर अपने पति के चेहरे को देखा। उसके बाद व्रतियों ने पति का पैर छूकर आशीर्वाद दिया। पति ने भी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत संपन्न कराया। इसके बाद सुहागिन महिलाओं ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद लिया। रायबरेली शहर की रहने वाली संध्या शुक्ला, लक्ष्मी देवी, माया द्विवेदी, ममता त्रिवेदी, कृष्ण त्रिपाठी समेत महाराजगंज कस्बे में अनुपमा पांडे, रजना तिवारी, लवली श्रीवास्तव, अनुजा शुक्ला, नीलम पांडे, वंदा पांडे, रश्मि पांडे, अनु पांडे समेत नव विवाहिताओं ने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। इसके साथ ही कस्बा समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। शाम होते व्रतियों का मंदिर आना शुरू हो गया। सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर हाथों में खूबसूरत मेहंदी तथा रंग बिरंगे परिधान में काफी आकर्षक लग रही थी। साथ में हाथों में पूजा की थाली, जिसमें आटे से बने दिए में जल रहे ज्योति के प्रकाश पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रही थी। सुहागिन महिलाओं ने एक साथ सामूहिक रूप में भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की। ग्रामीण क्षेत्र के मऊ गांव की सुहागिन महिलाओं शिव कुमारी मिश्रा, रोबी मिश्रा, कांति अवस्थी, सरता अवस्थी, प्रिया तिवारी, मंजू मिश्रा, सरला मिश्रा ने अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मैं वैशाली सक्सेना, एसके इंडिया न्यूज के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।